वेलकम वेलकम टू सेक्सी पाइनएप्पल मेरे दोस्तों। आज कुछ नया करने वाला हूँ मैं, जो जिंदगी भर मुझे तरसाता था, रुलाता था और दिमाग के बत्ती जलाता था दोस्तों, केमिकल लोचा करता था वो चीज़। ये देखो दोस्तों, डायनो आ चुका है हमारा और हमें जाना है उस पार। खोपड़े में एक नया आइडिया आया था दोस्तों, सोते सोते मुझे समझ में आया कि मम्मी ने चाय लेकर आई थी और चाय पिया। वैसे ही मुझे पता चला कि दोस्तों स्लोमो का मैं तो वीडियो बनाना ही भूल गया भाई। मुझे स्लोमो की बहुत खतरनाक आदत है दोस्तों। मैं एक टाइम पे BMMG खेलता था अपने एसर नाइट्रो पे, और एसर नाइट्रो पे लो ग्राफिक्स में खेलना पड़ता है BMMG, क्योंकि वो अच्छा गेम है और खतरनाक स्लोमोज है उसमें और भयंकर दोस्तों, एक नंबर झकास लगता था मेरे को गेम। और स्लोमो का तब से ही दीवाना हूँ मैं, हर चीज़ यूट्यूब पे स्लोमो स्लोमो देखने का मुझे एकदम क्रेज होता था। और इस बार अरीना में इतनी जंग लड़ी है हमने हर प्राणी से, और इस बार हमारे पास 4 प्राणी हैं ऐसे खतरनाक खतरनाक कि उनके साथ भी मुझे स्लोमो करना था दोस्तों। और स्लोमो में देखने का था कि वो कैसे हमें तरसाते हैं, मारते हैं, रुलाते हैं, हमारी चमड़ी उखाड़ देते हैं और चमड़ी के साथ साथ हमारा टे 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 टे। कोई बात नहीं दोस्तों, देखो फिर से मैं आ चुका हूँ वहीं पर जहाँ पर हम हमेशा गिर जाते हैं, संभलते नहीं है भैया। ये रैप्टर भी अलग चल रहा है भाई, अपने धुन में चल रहा है रैप्टर। खाना नहीं खाया क्या? अरे भैया क्या बताओ, बहुत मुश्किल में हूँ, कुछ पैसा मिलेगा क्या? अरे नहीं 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 रैप्टर नहीं 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 रैप्टर नहीं। अरे भैया पैसा दोगे कि गिराऊं? अरे नहीं नहीं रैप्टर रैप्टर नहीं नहीं देता देता कितना चाहिए देखो रैप्टर। अरे भैया क्या बताओ, 1000-2000 दे दो। अरे कितना चिंदी रैप्टर है दोस्तों, चिंदी रैप्टर है साला। One eternity later. अरे इधर ही छोड़ दे भाई, इधर ही स्लोमो करना है। अरे भैया मेरे साथ भी कर लो। अरे तू चूतिया है साले, तू इधर मारता नहीं है, ढकेलता नहीं है, कुछ भी नहीं है। जान दे दोस्तों, ये रैप्टर की बस की बात नहीं है, हमें हमारे कुछ शिकारी दोस्त चाहिए है जो हमला करे और फेंक दे हमें अलग डेस्टिनेशन पे। मजा ही आता था दोस्तों, ये को ऐसा ही थूक निकलना चाहिए, ऐसा ही रजनीगंधा निकलना चाहिए हमारे अंदर से। तो बुलाते हैं हम अपने पहले प्रतिनिधि को, प्रतिबंधी को, प्रतिबंधी को। पहले प्रतिनिधि आ चुके हैं हमारे, ड्राइनो, बड़ा सा शरीर लेकर, भयंकर दिखता है दोस्तों। ये मोटापे का शिकार, थायराइड हो चुका है इसको, ऐसे लगता है शुगर भी होगा, समझ में नहीं आता दोस्तों। ये सब बीमारियां हमारे माँ बाप को होती है, उसी से मैं मतलब जानकारी हासिल करता हूँ। मेरे पापा को है यार, मेरे पापा को शुगर है, मेरी मम्मी को थायराइड है, पर कोई बात नहीं, आप केयर कीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया चलो भैया, और खुशी से रखने का हर चीज को। अरे भैया कहाँ इमोशनल रहा मैं, जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं हमारा स्लोमो। भयानक था दोस्तों, थोड़ा दूर चले जाता हूँ, दूर चले जाता हूँ। अरे भैया नकारे आ रही है मेरे को, और स्लोमो चालू कर दिया दोस्तों, माथे पे मारूंगा, माथे पे मार दिया है मैंने। अबे फोन क्यों निकाल रहा भाई, फोन अंदर रख, फोन अंदर रख। अरे मेरा नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। खराब हो जाएगा वीडियो, खराब हो जाएगा, फोन अंदर रख। और राइनो आ चुका है दोस्तों, बाप रे भयानक दोस्तों, भयानक। हे भगवान, ये फोन की वजह से मेरा वीडियो खराब होने वाला था। कंटेंट 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 की माँ की दोस्तों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से स्लोमो करते हैं हम, और यहाँ से ढंग से दिखता नहीं है। अरे राइनो भैया तुम थोड़ा उधर जाओगे, थोड़ा लाइमलाइट में आ जाओ, आपके चेहरे पे वो लाइट नहीं आती है। अरे भैया ढक लो मत, नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा मेरा सिंह। अरे तेरी पैस की आंख। अरे गुस्सा आ गया भाई, गुस्सा आ गया, अरे सच में गुस्सा आ गया भाई, राइनो को सच में गुस्सा आ गया, ये क्या हो रहा है। अरे मोरी मैया, अरे ये थोड़ा सा ताकतवर ही निकल रहा भाई, ये मोटापे से दूर रहो दोस्तों। मैं भी मतलब खाता बहुत ज़्यादा हूँ तो मैं भी थोड़ा मोटा हूँ, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हर आदमी जीता है तो पीता है, चीता भी पीता है, पर कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से हम वही चीज़ लागू करेंगे हमारे स्लोमो पे। और देखते दोस्तों इसको गुस्सा भी ला सकता हूँ क्या, पेट पे एक मारूंगा, पिछवाड़े पे दूसरा मारूंगा और ये हाथों से निकाल दूंगा। देख सकते हो आप, देख सकते हो आप, आ रहा है, आ रहा है, मेरी फट रही है, मेरी फट रही है। मैं अरे ये इतनू सा धक्का भाई, जब भी मैंने मतलब अरीना में राइनो के साथ लड़ा था, चूतिया है कह रहे काहे चढ़ रहा है भाई, मैंने तो बटन भी नहीं दबाई। पता नहीं दोस्तों अपने आप ये फ्रैंकलिन इस गेम का अलग ही तमाशे करता है दोस्तों, मुझे बचाएगा ना अगर कुछ भी हो गया तो। अरे तू है कौन, चूतिया। अरे भैया ये देखो दोस्तों, यही होता है दोस्तों जब अपने काम नहीं आते हैं और पैसे मांगने के लिए फटाफट। अरे भैया ओ माय गॉड, डिस्को डांसर कर रहा है भाई, आई एम माई डिस्को डांसर। भैया कुछ भी करता है भाई, कभी कभी ग्लिच हो जाता है दोस्तों, कभी कभी आगे पीछे भाई। अरे भैया ओ माय गॉड, ओ पीठ पे लगा रहे भैया, स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दिया भाई, पीठ तोड़ दी भाई ने अलग से।
ओह माय गॉड, थूक आ जाता है मुंह में। जल्दी जल्दी देखते दोस्तों, फिर से हमेशा की तरह जैसे माँ के लाड़ बहन के पुजारी, मारू तेरे को माया वो तेरा भैया। ओह माय गॉड दोस्तों, राइनो के साथ खिलवाड़ हो चुका दोस्तों। राइनो हमारे साथ, मतलब हम हमारे रेटिंग के हिसाब से, 10 के हिसाब से मैं राइनो को देना चाहूँगा दोस्तों 7, पर मेरे रेटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, मेरी औकात ही नहीं इतनी। कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट प्रतिद्वंदी को बुलाते हैं। हमारे नेक्स्ट प्रतिद्वंदी आ चुके हैं हमारे, देखो दोस्तों अपने घर पे चिपकलिया होती है और ये उसी का रूप है दोस्तों। ये बड़ा सा रूप है, स्वरूप है, खतरनाक सा कुछ भी बोल दो दोस्तों। एलिगेटर थोड़े से खतरनाक होते हैं, मेरे तो फटती है दोस्तों, मेरे तो सांप से ही फट जाती है। अरे नीचे वो देखता हूँ बाथरूम में कभी कभी तो ऐसे चिपका, मतलब इल्लियों से भी मैं डर जाता हूँ दोस्तों, मम्मी को बुलाना पड़ता है। कोई बात नहीं दोस्तों, फट्टू आदमी हर आदमी होता है, हर चीज से कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से आदमी डरता ही है। तो स्लोमो का इस्तेमाल करके फटाफट इसको गुस्सा दिलाते हैं और इसकी मां बहन करते हैं। अरे भैया, और ओ माय गॉड हायाबुसा चालू होगी दोस्तों, हायाबुसा चालू होगी भैया। एलिगेटर आ रहा है, एलिगेटर भाई बाप रे, जबड़ा खोला भाई, जबड़ा खोला, पर वो जबड़े में आया नहीं मैं, इसलिए धक्का दे दिया भाई ने। पर कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से हम ओ हो देखो तो कैसा माज रहा है, बहुत ज्यादा ईगो है ना तेरे में, बहुत ज्यादा ईगो है ना। अबे कुत्ते तू है कौन बे? कोई बात नहीं दोस्तों, इलिया सबके पिछवाड़े में होती है, हर आदमी इलिया करने से कतराता नहीं है। पर देखो दोस्तों, मेरे अंदर तो बहुत है भाई, मेरे अंदर तो एंटरटेनमेंट की इलिया बहुत है। फिर से करूंगा तमाशे और देखो, अरे भैया ई का कर दिया भैया, ई ना हो पाई हमसे, ना हो पाई तुमसे, का हो पाई भैया। ओहो देखो बिना स्लोमो के ये इतना मतलब फेंक दिया भाई ने, फिर से चूतिया पा, क्या माँ बहन की गाली दू भाई इसको, मेरे को समझ नहीं आता दोस्तों, ये अलग ही फ्रैंकलिन हमारा अलग ही चूतियापा कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, माफ़ किया मैंने, हमारा ही आदमी है, हम ही खेल रहे भाई, कोई बात नहीं, फिर से गिरेगा दोस्तों, फिर से गिरेगा। रोहित भाई थोड़ा सा आप देख लेना इस चीज़ को, थोड़ा ग्लिच, पर मज़ा आता है दोस्तों, ये गिरता है ना तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों, रैगडॉल जैसे गिरता है। रैगडॉल का हमेशा मुझे बहुत मज़ा आता है, NPCs GTA 5 में भी ऐसे ही होते हैं दोस्तों, रैगडॉल्स। अरे भयंकर दोस्तों, फिर से हम पिछवाड़े में उंगली काटे जैसा, फिर तेरे ऊपर चढ़ के आऊंगा मैं बहन के टके, तेरे मैया को लेके जाओ स्ट्रॉल हो। ओ माय गॉड, टूट लो दोस्तों, और एक बार फिर से ट्राई करूंगा मैं बिना स्लोमो के, कि ये मुझे बिना स्लोमो के ज़्यादा फेंक पाएगा। आई थिंक सो कि नहीं फेंक पाता है, पर कोई बात नहीं, अब हम ट्राई करेंगे। देखो, मैंने बोला था ना बिना स्लोमो के ये बहुत ज़्यादा दूर फेंक देते हैं। कोई बात नहीं, चलता है दोस्तों। इस एलिगेटर को मैं मतलब 8 पॉइंट तो दे सकता हूँ, राइनो को मैंने 7 पॉइंट दिए, इसको 8 पॉइंट दूंगा। और बुलाते अपन दोस्तों नेक्स्ट प्रतिद्वंदी को, क्योंकि एलिगेटर और राइनो तो 8 और 7 ही लेकर चले गए दोस्तों। आ चुका है हमारे पास नेक्स्ट प्रतिद्वंदी दोस्तों, ये है खतरनाक सी लॉयन शेरनी दोस्तों, शेरनी, मैं हूँ शेरनी, कॉल मी शेरनी। जो जो ओनली फैंस के दीवाने हैं वो तो जानते ही होंगे, मिस पूनम। अरे मैं ऐसा नहीं हूँ दोस्तों, मैं ठरकी नहीं हूँ, पर क्या करूँ, जिंदगी झंडवा फिर भी अमन गंडवा गंदवा नहीं भाई, गंडवा कुछ भी बोलता है। नहीं नहीं भैया, दीदी कुछ नहीं किया मैंने, दीदी कुछ नहीं किया, तू ओनली फैंस पे है ना? नहीं हूँ दीदी, नहीं हूँ ओनली फैंस पे, तेरा अकाउंट दिखा है मेरे को। अरे नहीं दीदी, वो कोई और होगा, सेक्सी पाइनएप्पल नहीं है मेरा नाम भैया। कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से हम स्लोमो करने वाले हैं और इस बार शेरों के साथ, शेरों के पिछवाड़े में उंगली करके भैया। ओह अबे फोन क्यों निकालता है भाई, फोन नहीं निकालना चाहिए था। फोन अंदर रख दे मेरे फ्रैंकलिन। अरे फोन अंदर रखना फ्रैंकलिन, क्या कर रहा है भाई, मार दिया। अरे ये फोन के चक्कर में दोस्तों लफड़े हो रहे जा रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। फिर से हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर से हम वही करेंगे जो करना चाहिए हमें, जिंदगी में हमने वो नहीं किया है जो हमें अभी कर रहे हैं। अरे भैया, ओ बहन चिक माया हो ना पोस्का। अरे भैया, शेरनी ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए दोस्तों। ये जो लड़कियां होती है जो अलग से फ्यूचर मतलब सेट करके बैठती है कि हर चीज ट्राई करूंगी, और उनके चक्कर में हमारे लग जाते हैं दोस्तों। प्यार का मकसद उनसे ही निभाओ जो आगे वाला भी ऐसी सोच में हो, ऐसी सोच में ना हो कि एक साथ पांचों को लेके चलूंगी। हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है दोस्तों, मेरा भी दिल टूट चुका है। क्या करूँ दोस्तों, जुबान और भगवान नहीं चाहता है कि आपके साथ में ये सब चीजें शेयर करूँ मैं। भैया खतरनाक, चालू करो
बैंक बाप रे, मार दिया भाई, देख खतरनाक हो रहा है, हमारा सिस्टम हैंग हो रहा है दोस्तों, सिस्टम हैंग हो रहा है, भयंकर चल रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, पर कोई बात नहीं, फिर से हम स्लोमो का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि शेरनी के पिछवाड़े में मार के हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। अरे भैया ये कुछ नहीं है दोस्तों, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे क्या मैंने RDX क्यों ले लिया अपने हाथ में, समझ में नहीं आया मेरे को। अरे भैया खतरनाक, कोई बात नहीं, हम इस शेरनी को देंगे दोस्तों ऐसा जवाब कि इसका मुंह बंद हो जाएगा। अरे तू करने क्या वाला है कुत्ते, देखो रेटिंग देने वाला हूँ शेरनी, आजा शेरनी तेरे को पिछवाड़े पे, देखो सामने लगा दिया है और इसे रेटिंग देने वाला हूँ मैं, 8 ही दूंगा दोस्तों, क्योंकि 8 से ही पेट भर सकता है, क्योंकि इतना कुछ इम्पैक्ट शेरनी ने हमारे दिमाग में डाला नहीं है। अरे कहाँ गया वो डेटोनेटर, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मुझे ये चीज़ करने का बहुत मजा आता है। अरे भैया फोड़ दिया है मैंने शेरनी को और मर गई है शेरनी बेचारी। कोई बात नहीं शेरनी, तुम्हारे टाइम भी आएगा, अपना टाइम आता है, सबका टाइम आएगा। कुछ नहीं दोस्तों, अब बुलाते हैं आपके सामने लास्ट प्रतिद्वंदी और वो सबसे खतरनाक और भयानक है दोस्तों। वो आम जिंदगियों में हमारे साथ घूमते रहते हैं, हमारे रास्तों पे घूमते रहते हैं, हमारे बीच में होते हैं, कभी ना कभी तो हमला कर ही देते असली जिंदगी में। तो बुलाते तो आ चुकी है दोस्तों हमारे सामने बफेलो, खतरनाक बफेलो दोस्तों, यही है वो आम जिंदगी वाली प्राणी, भयंकर बफेलो। बफेलो जी कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, सींग घुसाओ के तेरे अंदर कुत्ते। अरे भैया कोई बात नहीं, तो बफेलो हमारे आम जिंदगी की एक ऐसी प्राणी है दोस्तों जो कभी भी आपके पिछवाड़े में सींग घुसा सकते है, और ये सबसे खतरनाक प्राणी लगता है जो हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं। देखो राइनो जो है वो जंगलों में रहता है, शेर जो है वो जंगलों में रहता है, और एलिगेटर जो है वो पानी में रहता है, पर हम कभी जाते नहीं है। और ये आम जिंदगी में कभी भी हम गाड़ी चलाते रहते हैं, बाइक चलाते रहते हैं, ये पिछवाड़े के अंदर सिंह डालने के लिए तैयार रहते हैं तो हमेशा कोई बात नहीं ऐसा। फिर से हम स्लोमो का अटैक देखेंगे और तय करेंगे कि बफेलो को हम 10/10 दे सकते हैं क्या। बफेलो आ रही है, को कूदूंगा मैं और देखूंगा बेंचिक, इसलिए तो बोल रहा था मैं बफेलो खतरनाक है दोस्तों, बहुत भयंकर दोस्तों। बफेलो से कभी पाला नहीं पड़ा, मतलब मेरे को कुत्ता काटा है बचपन में, पर ऐसा कोई बफेलो मेरे को ऐसा पीछे पड़ी है। जब मेरे पास मेरी 220 थी पल्सर और उसका साइलेंसर, मैंने कुछ अलग सा ही डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने मन से, फिर बाद में वो बेच दी थी हमने, पर वो साइलेंसर से अट्रैक्ट होके वो बफेलो मेरे पीछे पड़ गई थी, और खतरनाक उनका मकसद ही अलग था दोस्तों। उनका मकसद ये था कि मेरे पिछवाड़े में वो सींग घुसा दे और वो पल्सर की माँ बहन कर दे, वो तो असली जिंदगी में होती है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से हम ट्राई करेंगे बफेलो को बिना मतलब स्लोमो के। अरे मैया मोरी मैया अरे मोरी मैया, फेंक दिया है। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं बफेलो को दूंगा चारों के साथ, मतलब तीनों के हिसाब से, मतलब शेर, राइनो और एलिगेटर के ऊपर का दर्जा, और वेलोसिराप्टर तेरी मैया को लेके जाओ ससुराल साले। देखो बफेलो बाहर भी आ सकती है दोस्तों, मैं रेटिंग देना चाहूंगा 10/10 बफेलो को, भयंकर लग रहा है दोस्तों, ये सीन कुछ अलग ही है, और 10/10 की हकदार हो आप मिस बफेलो जी, भयंकर दोस्तों भयंकर। लास्ट टाइम हम करे स्लोमो कर दे। अरे तू कर तो सही, तेरे को उछाल के फेंकना दिया कुत्ते। अरे ठीक है दोस्तों, बफेलो का गुस्सा जाए दोस्तों, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं चलता है दोस्तों। फिर से हम स्लोमो करेंगे और देखते हैं दोस्तों कि हमें ये बाहर फेंक पाएगी कि नहीं फेंक पाएगी। मैं तो कुछ चाहता हूँ कि ये फेंक दे मुझे बाहर, क्या बोलते हो आप? और उसी के साथ हम वीडियो खत्म कर देंगे। वैसे 10/10 रेटिंग दे चुका हूँ मैं, और बफेलो आ रही है दोस्तों। मैया नहीं फेंक पाई, फिर से ट्राई करेंगे। ये फेंक देगी दोस्तों, ये फेंक देगी, जब भी मेरे को थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा, जंप करके ही फेंक देगी दोस्तों। ये सच में बोल रहा हूँ ना, मैं सच में बोल रहा हूँ। इधर से ट्राई करते दोस्तों, बफेलो जी,
माँ के माया माया मैया फेंक दिया है भैया, ये बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हम बाहर फेंकने का ही ट्राई करेंगे। Approximately 10 hours later. तक ये लास्ट मेरी लास्ट कोशिश रहेंगी, जब तक नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो खत्म भी तो करना है भाई। देखो 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 देखो, ये खुद भी खुद जाना चाहता है ना चूतिया। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी मकसद पूरा करते हैं हमारा। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। मजा करो दोस्तों, मजा करो, ऐसे कोई टेंशन नहीं की बात नहीं है, और फिर हम करेंगे हमारा जलवा। मम्मी फेंक दिया है दोस्तों, और हमारा मकसद कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले सेक्सी पाइनएप्पल को। हमारे सारे वीडियोस दोस्तों एंटरटेनमेंट पर्पज दोस्तों, एंटरटेनमेंट मेरा मेरा ही जीवन है। आपके चेहरे पे मुस्कान, मेरे चेहरे पे हंसी, और सफलता की सीढ़ी का एक पड़ाव पार हो जाएगा मेरी जिंदगी का। खत्म करते हैं दोस्तों इस वीडियो को, और 1700 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जल्द से जल्द होने वाले या इस वीडियो को डालने के बाद हो ही जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो में फ्राइडे को बना रहा हूँ। मैं अपनी वीडियोस बहुत पहले बनाता हूँ और शेड्यूल कर देता दोस्तों, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट मिलता रहे दोस्तों हमेशा, और मैं चाहता हूँ कि ये एंटरटेनमेंट कभी ख़राब ना हो। ओ सॉरी, मर गई दोस्तों, मर गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो मर गई। चलता है दोस्तों, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों सेक्सी पाइनएप्पल को। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस देते रहूँ, और इससे खतरनाक, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे तब तब वैसे वैसे मेरे वीडियो की क्वालिटी और खतरनाक एंटरटेनमेंट का जरिया भी बढ़ते रहेगा दोस्तों, भयानक से। और भी अपडेट जैसे रोहित भाई देते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के, ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि आग लगती है इंजन में, ये तो डायरेक्ट बाय 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 बाय, व्हाट इज दिस, मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पे रहेगा दोस्तों, इस पे रहेगा, ये तो मैंने देखा ही नहीं दोस्तों अभी तक की, तो मेरे को पता ही नहीं था कि आग लगती है भाई। कोई सेंस है इस बात की?